आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सिद्धांत की आपकी जो दूसरी बुक है उसका जो अध्याय 4 है सामाजिक न्याय, ये राजनीतिक सिद्धांत के ही कुछ प्रमुख भाग हैं। आपने पहले स्वतंत्रता पढ़ा, समानता पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। न्याय आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है और विभिन्न विद्वानों ने उसके बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो न्याय का मतलब है कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और समाज का जो कमजोर वर्ग है वो अपने को असहाय महसूस ना करे, यह है सामाजिक न्याय। तो कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, श्री राजेंद्र गटकर ने प्रोफेसर लास्की के शब्दों में। आप ये देख सकते हो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय। तो ये विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक न्याय की परिभाषा दी। अब हम इसमें सामाजिक न्याय में जो मुख्य शब्द आते हैं वो आते हैं समानुपातिक न्याय। तो जो प्लूटो और अरुस्ती थे तो वो न्याय का अर्थ आनुपातिक न्याय से लेते थे। अरस्तु का मानना था कि किसी व्यक्ति को कितने अधिकार और कितने पुरस्कार दिए जाएं, तो और उसकी समाज में उस व्यक्ति की क्या उपयोगिता है, समाज में उसका कितना योगदान है। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया था कि बांसुरी उन्हीं व्यक्तियों को दी बांटनी चाहिए जो उसे बजाना चाहते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों को शासन करना चाहिए तो शासन करने के क्या हों, योग्य हों। तो इस प्रकार परिस्थितियों की समानता अर्थात समान लोगों को एक समान रूप में और असमान लोगों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए, ये था सामानुपातिक न्याय, ये अरस्तु और प्लेटो के अनुसार। दूसरा पॉइंट है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, कि जन समाज के सभी मनुष्य एक जैसे तो रहते नहीं है, यदि एक समान है तो उनके एक समान व्यवहार होना चाहिए और उन्हें समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, नागरिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो साथ ही समान अवसरों की फायदा उठाने के लिए सामाजिक तथा मताधिकार का राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार समान लोगों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये परिभाषाएं हैं और ये जो आपकी बुक में आए हुए हैं ये कुछ शब्द हैं। तो समान व्यवहार के सिद्धांत पे हम नागरिकों के साथ इनके आधार पर रंग, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। तीसरा सिद्धांत है विशिष्ट जरूरतों का सिद्धांत। विशिष्ट मतलब जो जैसे महिलाएं हैं, असहाय हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, वृद्ध या कोई पिछड़े वर्ग हैं, तो हमें उनको कोई विशेष सुविधा उनको देनी चाहिए। तो यह है विशिष्ट जरूरतों का सिद्धांत और हमारे संविधान में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये फिर परिभाषाएं आ रही हैं, आप देखेंगे एलन के शब्दों में, मार्क्सवादी चिंतन में सामाजिक न्याय का क्या संकल्प है। फिर है न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, समाज में वस्तुओं के संसाधन और उनकी सेवाएं जो सरकार की ओर से होती हैं उनका समाज के हर व्यक्ति को कैसा उनका वितरण हो। नागरिक जीवन की सभी स्थिति और अवसरों पर बुनियादी समानता का उपयोग, बुनियादी मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए हमारे देश में छुआछूत की प्रथा क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो ये अभी विभिन्न विद्वान आपको बतला रहे हैं
सामाजिक न्याय के बारे में। फिर है सामाजिक न्याय की विशेषता पढ़ेंगे। न्याय की विशेषता मतलब लक्षण। तो इसमें एक जॉन रॉल्स का एक न्याय सिद्धांत है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सामाजिक न्याय की विशेषता, पहला है सामाजिक असमानता को हटाना। सामाजिक में जितनी असमानताएं हैं, पहले पूर्व में आप पढ़ चुके हो, छुआछूत जैसी असमानता को हमें समाज से क्या करना है, हटाना है। सामाजिक व्यवस्था में सुधार। सामाजिक मतलब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव न किया जाए और सभी व्यक्तियों को आत्मविकास के अपने उचित समुचित अवसर मिले। और धारा 15 में कहा गया है संविधान में कि किसी भी नागरिक के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करना किया जाना चाहिए। और नागरिक सार्वजनिक भोजनालय, दुकान, मनोरंजन, तालाब, कुएं सभी का समान रूप से उपयोग कर सकते हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ये था एक सामाजिक व्यवस्था में सुधार। तीसरा जो लक्षण है सामाजिक न्याय की, सामाजिक विशेष न्याय की विशेषता, सामाजिक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जो भारत में संविधान में लिखा हुआ कि प्रजातंत्र के जो नियम है तो वो सामाजिक क्षेत्र में हर जगह एक से लागू होना चाहिए। इसके बिना हमारा सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होगा और समाज से शोषण का अंत भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रजातंत्र के समान पहलू सभी वर्गों पर लागू करने चाहिए। चौथी विशेषता है काम की न्यायपूर्ण दशाएं। काम की मतलब समाज में जो व्यक्ति हैं उनमें सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के समान अवसर उपलब्ध हों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा किया जा सके। मतलब सामाजिक स्तर को हम ऊंचा कर सकते हैं। पांचवा है न्यायिक समानता। न्यायिक समानता में क्या है कि जो न्याय मिलता है वो सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर मिले। ये था न्यायिक समानता। छठवां है विशेषाधिकारों की समाप्ति। मतलब कोई विशिष्ट व्यक्ति को कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त ना हो, सबको समान सुविधाएं प्राप्त हों और अपनी योग्यता के अनुसार जिससे वो अपना विकास कर सके। फिर है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं। जो जातियां पुराने समय से पीछे रह गई हैं हर क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, समाज में उनका स्थान पिछड़ गया है, तो उनको विशेष सुविधाएं और संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो सब हमारे एक स्तर पर आ जाए, सब सबका स्तर क्या हो जाए, समान। आठवां है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक न्याय में है कि समाज के हर व्यक्ति को समाज में बराबर सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को कोई असहाय बीमारी है, बुढ़ापा, अपंग है, तो सरकार द्वारा उनको समय समय पर आर्थिक सहायता दी जाए। प्राकृतिक असमानता के कारण लोगों को भूखा मरने देना भी एक सामाजिक अन्याय है। ये हमारे देश में कभी कभी किसी क्षेत्र में भूखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अगला है शोषण का निषेध। शोषण मतलब कि किसी भी क्षेत्र में किसी के द्वारा जबरदस्ती या कम पैसों में देकर काम ना करवाया जाए, बाल श्रमिक का वो ना हो जिसमें कोई 14 वर्ष से कम का वो कर सके, तो मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण ना हो। दसवां है विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता वाले पाठ में भी अपन ने पढ़ा था कि सभी को सामाजिक न्याय पाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
अपने अपने धर्म की क्या है, स्वतंत्रता। अब हमारा ये सिद्धांत रह गया है, थोड़ा सा ये पीछे चला गया, तो इसको मैं फिर से पढ़ाती हूँ आपको। ये जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स ने निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एक रास्ता बताया कि हम खुद अपने को एक ऐसी परिस्थिति में कल्पना करें जहां हमें मालूम हो जाए कि समाज को हमें कैसे संगठित करना है, उस समाज में हमारी क्या स्थिति होगी, और हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सर्व सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। तो रॉल्स ने बताया, अगर हमें यह नहीं मालूम हो तो इस मायने में हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प होंगे। तो रॉल्स ने इसे एक अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा कि हमें समाज में अपने स्थान पता होना चाहिए। हम अज्ञान हैं, हमारी समाज में क्या हैसियत है, क्या स्थिति है। मैं हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। कोई नहीं जानता कि कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा और खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे ही कुछ विशेष अवसरों का उपयोग करेंगे। और मान लो किसी का जन्म समाज के वंचित तबके में, वर्ग में हो जाता है, तो तब क्या होगा? तो अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह अच्छा होगा कि वह संगठन के ऐसे नियम के बारे में सोचें जो समाज में व्यवस्था के लिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनको उचित अवसर मिल सके, हैं, जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त हो सकें, चाहे वे उच्च वर्ग में उनका जन्म हो चाहे निम्न वर्ग में हो। तो जो जॉन रॉल्स का ये जो महत्वपूर्ण योगदान है अपना सामाजिक न्याय के लिए, तो उन्होंने एक पुस्तक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा गया है। रॉल्स के न्याय संबंधी विचार निम्न है। प्रथम सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की प्राप्ति का समान अधिकार है, जो कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिले। द्वितीय सिद्धांत है, सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार संतुलित किया जाना चाहिए ताकि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। पहला, इससे अत्यधिक गरीब स्तर के लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसा सामंजस्य हो, प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर की समानता मिले ताकि उसको पद व प्रतिष्ठा आसानी से मिल सके। प्रथम प्राथमिकता नियम, स्वतंत्रता की प्राथमिकता, सभी को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मतलब प्रतिबंध में भी हम स्वतंत्रता की क्या करते हैं, रक्षा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति या वर्ग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उसको मिलने वाली स्वतंत्रता कमजोर ना होकर मजबूत होनी चाहिए, मतलब वो स्वतंत्रता पाने के लिए और मजबूत होगा। कुछ लोगों को समान स्वतंत्रता से यदि कम स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है तो उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए। तो द्वितीय प्राथमिकता नियम, कुशलता एवं कल्याण पर न्याय की प्राथमिकता। तो इस पर जो रॉल्स बताते हैं, वो बताते हैं कि अधिकतम स्वतंत्रता हो तथा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जाए। जन्म और संपत्ति पर आधारित अवसर की असमानता को हमें क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन में सभी जगह समानता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। तो रॉल्स के अनुसार न्याय ना तो प्राकृतिक कानून है
ना ही तर्क या बुद्धि पर आधारित है, बल्कि न्याय संगत एक प्रणाली है। तो इस प्रकार रॉल्स ने अपने कुछ मूल तत्व बताए। तो ये था आपका जॉन्स रॉल्स का न्याय, सामाजिक न्याय संबंधी कुछ नियम। अब हमारे समाज में सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है या उसका महत्व क्या है? तो पहले भी बता चुके हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें सामाजिक न्याय आवश्यक है। सामाजिक न्याय व्यक्ति को विकास हेतु संगत अवसर उपलब्ध करता है, आर्थिक सुधार होता है, व्यवस्था सामाजिक न्याय मतलब जो पिछड़े और कमजोर वर्ग है उनके लिए सामाजिक न्याय बहुत ही आवश्यक है। और सामाजिक न्याय से व्यक्तियों में मिलजुल कर कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और राष्ट्रीय यदि समान न्याय होगा तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और हम एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक अच्छा संपन्न देश हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ खत्म हो गया। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है धन्यवाद छात्रों।